यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम दयालु सामरी का दृष्टांत देखने जा रहे हैं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देख के कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यीशु ने व्यवस्थापक को कहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। हमारे यीशु मसीह के द्वारा दिए गए ऐसे दृष्टांतों को सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।